सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही तो होता है। हम लोग हर रोज़ सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी का एक दिन ख़त्म हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। लाइफ गोज़ लाइक दैट। और मैं भी एक नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ फिर से लौट आया हूँ आप लोगों के सामने। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमाचल आई टी के, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट एपिसोड। और दोस्तों, सुबह से घूम रहा हूँ मैं हाथ में ये ट्रिमर और ये शोल्डर पे कपड़ा उठाकर कि कोई मेरे बाल काट दो। ये बाल मैं बड़े दिनों से बोल रहा हूँ कि काटने हैं। लॉकडाउन में मतलब दुकानें बंद थी, अब खुल गई हैं और जो हेयर कटिंग वाले वो भी खुल गए, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। कोरोना के टाइम पे बाहर जाके कोई कटिंग वटिंग का रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अपनी वाइफ से, अक्खू से, इन सब से मैं बार बार कह रहा हूँ यार प्लीज़ कोई काट दो, मेरे बाल काट दो, ट्रिम ही तो करने हैं। कोई नहीं सुन रहा भाई, सुबह से भागा हूँ इनके पीछे। देखते हैं आज भी कट पाते हैं या नहीं। नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। अच्छा हुआ है रेन, आ जाओ। अब ये नहीं दिखाना, कपड़े सुखा रही है वहां पे। अच्छा ठीक है, ये कह रही है कि ये ना हुड की जगह ये जो है ना मैट, इन्हें यूज़ करती है गाड़ी को ढकने के लिए, क्योंकि अभी इसके पास इसका गाड़ी का जो कवर नहीं है मेरे पास। दे दो बेटा दे दो, ये आपके काम का नहीं, मुझे दे दो बेटा। पापा को ये बाल कटवाने अपने, दे दो ना। आप काटोगे नहीं? काटोगे क्यों? आप काट दो ना मेरे बाल। अरे काट दो ना, नहीं काटोगे? अच्छा आप काट दोगे, वाह, ये छोटा बच्चा जो है ये तैयार हो गया मेरे बाल काटने के लिए। ये पूरे गंजे हो जाएंगे। गंजा तो मैं हूँ, प्यार वाले से कटा दो, हो गया लॉकडाउन खत्म। मैं यू नहीं, मैं यू नहीं, बात मैं यू नहीं, सस्ता नहीं, सस्ता नहीं, काट दे तो कुर्सी लिया बेटा अंदर से। अच्छा यार आप लोगों को हो सकता है आवाज़ ना आई, ये पीछे बिल्कुल पानी की वो है, पानी का नाला है हमारे यहाँ, कुल बोलते हैं उसे। यस देखिए, तो पापा स्टार्ट करें। को आराम से ना यूज़ करना आता है तेरे को ना? अरे यहाँ से सामने से ये ऐसे, हाँ ये इस अच्छा, तरह से रख के यहाँ से सामने को चलाते रहना, ठीक है ना? और एक जगह पे नंबर कितना रखना है? 10 पे रखना, 10 ठीक है। एक जगह पे बार बार ना करियो, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ लेके एक लाइन बना लेना, ठीक है? ठीक है, करे स्टार्ट। हाँ। हेयर वी गो स्टार्ट। ये तो टेढ़ा मेढ़ा चला रखा है, छोड़ सीधा चलाओ, एक ही इसमें, हाँ एक ही उसमें बता ना बेटा, स्ट्रोक एक ही लगा के कुछ ऐसे। हाँ चल ही नहीं रहा है तो? नहीं चल रहा, कर दिया गाइस, मैंने रिजाइन कर दिया, मेरे को नहीं अच्छा लगती ये जॉब। चलो कैसे? हाँ ऐसे, अब ये नया वो आया है ड्रेसर, आज जो है पंगा ले लिया है। एक कहावत है ना, नीम हकीम खतरा है जान, मतलब जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो उनसे थोड़ा खतरा रहता है। ऐसे मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं तो ऐसे ही सफा चट हूँ पहले से। अब आ रहे आ रहे। हाँ बंद होगी मम्मी, बाल फंस गए बेटा, पानी में मत खेलो, वहाँ जूते खराब करा दे। और कोई, और ये देखिए इसने पापा के जूते पहन लिए और ये राइडर बन रहा है। भाई अपनी मम्मा से इंस्पायर होके फिर से आया आखिया, अब मुझे कुछ बाल निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक तरफ से लगाते हैं पहले तो पूरे बाल, एक साइड से हाँ पूरा बराबर कर, है ना? ये हर कहीं ना घुसे, एक तरफ चला। मैं काटू? नहीं बाल काटना है, काट है। हाँ तो मेरे, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट। इसको इधर से डालो बाजू को। यार अरविंद आपके बाल खराब हो रहे हैं हमारे से। पक्का? कहीं गंज पड़ रहा है, कहीं कुछ पड़ रहा है। पापा पहन लिए, टकला कर दिया, देखने दो। हो गया टकला, हो गया टकला, नहीं इसके बराबर करना, अगर हो गए तो बराबर करने पड़ेंगे फिर बाकी सारे। ये कोई और उपाय, करेगा
ये मुझे टकला करके छोड़ेंगे भाई आज। टकला तो नहीं पर कर ही देंगे इस हिसाब से तो। बाल काट दी, कान काट दी, कान काट दो, ये काट देंगे भैया आज, ये कान भी काट देंगे मेरे। फेंकू पानी? फेंकना नहीं है मुझे, भगा दे पानी। फेंकना थोड़ी है भाई, नहला रहा तू मेरे को। होली खेलते हैं चलो। देख लो भाई, हमारे से क्यों पंगा लिया था? किसने बोला था कि हमारे से कंगी करते? हालांकि इनके बाल में काट देता हूँ अभी। क्या हो रहा है ये? मैं गिला कर रहा हूँ, कर दो मेरा जीरो कट। और पापा यहाँ से हो गए, हो नहीं रहा था पूरी तरह से, तो अब मुझे इनसे जो है फाइनली करवाना पड़ा सफा चट। चलो ये आगे के भी करने सफा चट? हाँ नहीं, यहाँ पे रखेंगे हम, लोग पीछे रहते हैं, का विराम नहीं होता है ना विलन। और भाई इसको नीचे लेकर मैं दिख रहा हूँ, मेरे को देखने के लिए कितना कष्ट करना पड़ रहा है ऊपर। ये मैं आपका सर दिखा रहा हूँ ना, सर थोड़ी इम्पोर्टेंट है, सर वाला इम्पोर्टेंट है भाई। ये ट्रिमर भी बीच में रुक गया, एक मिनट रुको। बैटरी तो नहीं लोगी सच्ची में? लाओ फिर ऐसे रहेंगे पापा। ओ जेट यार, तुम लोगों की इतनी अच्छी कटिंग करते हो, इसका पापा सिनेमैटिक शॉट ले दो। टकले का सिनेमैटिक शॉट, तेरा बाप टकले। तो भाई लोग मैंने रिस्क लिया और बीच मझधार में फंस गया हूँ। ये जो अपना ट्रिमर है ये रुक गया बीच में, इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, और जो मेरे ये हेयर ड्रेसर थे इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे से स्ट्रोक मारे हैं मेरे सिर पे। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। थोड़ा जो है हमारा ये हेयर कटिंग वाला जो मिशन था वो रुक गया है। ये हेयर स्टाइल अच्छा है, मैं ऐसे अच्छा लगूंगा आपको? नहीं अच्छा नहीं लगा? बाजार घूमने चलेंगे ऐसे फिर हम? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। ये मुझे UMT कटिंग जो है बड़ी महंगी पड़ गई। UMT मींस अंडर मैंगो ट्री। ये आम का पेड़ है, इसके नीचे अक्सर आपने देखे होंगे बाल काटने वाले कुछ बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे। तो मुझे ये भारी पड़ गया। हम लोगों ने अब रेज़र का इंतज़ाम किया है, ये जो ब्लेड वाला होता है ना, विल्किंसन या टोपाज वाला, आए वो लगा रही है। लेकिन हाथ रख के लगाना पड़ता है इसको, रेन ऐसे स्किन को ऐसे पकड़ के एक साइड से, ऐसे नहीं। एक मिनट डायरी अरविंद रुको यार, इनको कौन समझाएगा भाई, बड़ी बहुत पंगा है। उसको समझा रहा हूँ कि डब्बा छोड़ के स्किन को यूं पकड़ना पड़ता है एक साइड से, तब क्लीन होती, कट लगता है नहीं तो। भाई ये बाल ही नहीं, मेरे चमड़ी भी काट देंगे आज। कितनी टेंशन हो रही, और ले लो पंगे। चलो भाई, मेरे बालों में डैंड्रफ हो गया था, उसका इंतजाम हो गया। हाँ वो तो बहुत हुआ, कम से कम वो साफ हो जाएगा। जो मेरे बाल कम हुए डैंड्रफ की वजह से हुए हैं, डैंड्रफ जो मेरे बाल खा गया। आप लोगों के अगर डैंड्रफ है तो सीरियसली लेना, मुझे देख लो भाई, एग्जांपल लो। और सब सुनो, डैंड्रफ के साथ अगर लॉकडाउन में आप लोगों के बाल बढ़ गए हैं तो बड़े रहने दो, क्योंकि ऐसे हालात हो सकते हैं, फिर देख लो। देखा भाई लोग, ये क्या हाल हुआ, ये पंगा मैंने ही लिया था। अच्छे वाले आदमी को शाकाल बना दिया इन लोगों ने। यहाँ पे एक गाना बनता है, अगर लगाऊंगा तो भाई कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, गाता हूँ बेसुरा गाऊंगा, क्या से क्या हो गया। चलो अब नहाने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये शाकाल वाला रूप? यार धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा तो नहीं कहेंगे, पंगा मैंने ही लिया था। और हो जाता है ऐसा भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बल्कि मेरे फेवर में हुआ ये। ये जो बाल कटे हैं इसकी वजह से मेरे जो मतलब बालों में डैंड्रफ था, चकते से बन रखे थे पसीने की वजह से। अब ये बाल कटे हैं तो वो हवा में रहेंगे थोड़ी देर, इन्हें हवा लगेगी तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा मुझे, उस हिसाब से बिल्कुल सही है। दूसरे एंगल से सोचें तो ये धोखा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तो यही सोचा था कि चलो यार कोरोना का टाइम है, क्यों किसी हेयर कटिंग वाले के पास जाना, घर पे सेफली कर लेते हैं। पर अब
आख्यात, और ये रेन का थोड़ा पहला एक्सपीरियंस था, हो जाता है इस तरह भी। बल्कि मैंने जो है पिछले लॉकडाउन में अपने बच्चों के बाल खुद ही काटे इसी ट्रिमर से, और अभी पिछले हफ्ते भी, ये जो ये वाला लॉकडाउन है इसमें भी पिछले हफ्ते जो है एरी और आख्यात के बाल मैंने खुद काटे हैं इसी ट्रिमर से, आपको दिखाता हूँ। हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं इस तरह का, फिर भी मैंने काटे हैं, धीरे धीरे काटे हैं। और मेरी वाइफ बहुत डांटती थी, ये आपने अच्छे नहीं काटे, वो नहीं काटे, ये ढंग से होने चाहिए, ऊपर से होने, नीचे होने चाहिए थे। और अब देखो खुद मेरे बाल इतने अच्छे काटे हैं, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म, सारी तरफ से यूनिफॉर्म पैटर्न कर दिया है। आइए मैं आपको आख्यात और एरी के बाल दिखाता हूँ जो मैंने काटे। ये देखो ये आख्यात के बाल, ये लॉकडाउन के दौरान मैंने काटे हैं, सेम ट्रिमर से काटे हैं, ये देखिए। और दूसरा एरी, उसके बाल भी मैंने ही काटे हैं, वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये एरी से मिलते हैं, इसके हेयर कट देखते हैं। बेटा क्या कर रहे हो आप? आप गब्बर हो? हाँ ठीक है। हुजूर दो आदमी थे। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक गब्बर है भाई। गब्बर सिंह जी, मैं आपकी हेयर कटिंग देख लूं? नहीं। ये आपके बाल किसने काटे गब्बर सिंह जी? हाँ मैंने तो नहीं काटे, पहले से कटे हैं। किसने कटिंग की आपकी बेटा बताओ? है आटो कटो, दो मिनट मुझे देखने दो। ये देखिए ये हेयर कट मैंने किया है इसका अभी पिछले हफ्ते। तो ऐसा है, घर पे भी हम हेयर कट कर सकते हैं आराम से, जैसे कि मैंने अपने बच्चों का किया। और पिछले लॉकडाउन में मैंने काफ़ी लोग, मेरे जान पहचान में भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने खुद अपने बच्चों का और परिवार में एक दूसरे का हेयर कट किया, उसी दौरान हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया, तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया था। अब कर लेता हूँ इस बार भी, जो बच्चों को ज़रूरत पड़ी हेयर कट की तो मैंने खुद कर लिया। लेकिन जब मैं अपना करवाने गया तो मेरे साथ थोड़ा सा एंकी पैंकी हो गया था। तो चलता है ये सब। आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये हेयर कटिंग सेरेमनी मुंडन, जो कि ज़बरदस्ती हुआ है, इसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो, वरना मैं अपनी बीवी और बेटे को लेकर वो विद ट्रिमर आपके घर आने वाला हूँ, देख लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।